अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर समीर रमज़ान एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ पीएसटी और जीएसटी के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो शेयर करता हूँ, और अभी तक मैं आपके साथ जनरल साइंस के क्लास फोर के तमाम चैप्टर्स और क्लास फाइव के तमाम चैप्टर्स शेयर कर चुका हूँ, और क्लास सिक्स के मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर वन जो है शेयर किया है, और चैप्टर नंबर टू का जो है पार्ट नंबर वन शेयर किया है। तो आज की इस वीडियो हम जो है चैप्टर नंबर टू का पार्ट नंबर टू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जनरल साइंस एमसीक्यूज क्लास सिक्स चैप्टर टू सेंस ऑर्गन्स पार्ट टू। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके साथ क्लास सिक्स चैप्टर टू का पार्ट नंबर वन शेयर कर दिया है, अभी हम जो है पार्ट नंबर टू स्टार्ट करेंगे। मैंने आपके साथ पार्ट वन में जो है 15 एमसीक्यूज शेयर किए थे, अभी हम जो है एमसीक्यूज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एयर आर देयर। कानून के जो है कितने पार्ट्स हैं, वन आउटर, टू आउटर एंड इनर, थ्री आउटर मिडिल एंड इनर, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थ्री आउटर मिडिल एंड इनर। एमसीक्यूज नंबर 17, व्हिच पार्ट ऑफ एयर कलेक्ट साउंड। कौन सा कान का जो पार्ट है वो साउंड को कलेक्ट करता है। ऑप्शंस आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आउटर एयर। एमसीक्यूज नंबर 18, आउटर एयर इज आल्सो रिफर्ड टू एज। आउटर एयर को जो है दूसरा क्या रिफर किया जाता है, ऑप्शन ऑरिस, पेना, टाइपेनिक, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेना। एमसीक्यूज नंबर 19, व्हिच पार्ट ऑफ आउटर एयर ट्रांसफर साउंड टू मिडिल एयर। कान का कौन सा पार्ट है आउटर एयर का जो ट्रांसफर करता है साउंड को मिडिल एयर की तरफ। ऑप्शंस कॉन्चा, ट्रागस, ऑडिटरी कैनाल, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑडिटरी कैनाल। एमसीक्यूज नंबर 20, एयर ड्रम इज प्रेजेंट इन। एयर ड्रम कहाँ पे मौजूद होता है, ऑप्शंस आउटर एयर में, मिडिल एयर में, इनर एयर में, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिडिल एयर। एमसीक्यूज नंबर 21, व्हिच पार्ट ऑफ मिडिल एयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशंस। कौन सा मिडिल एयर का पार्ट जो है वो साउंड को कन्वर्ट करता है, साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वाइब्रेशंस में। ऑप्शंस इनकस, स्टेप्स, एयर ड्रम, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एयर ड्रम। एमसीक्यूज नंबर 22, हाउ मेनी बोन्स ऑफ मिडिल एयर। मिडिल एयर में कितने बोन्स होते हैं, टू, थ्री, फोर, या फिर फाइव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थ्री, जिनके नाम हैं मेल्यूस, इनकस और स्टेप्स। एमसीक्यूज नंबर 23, थ्री बोन्स ऑफ मिडिल एयर टुगेदर इज कॉल्ड। मिडिल एयर के जो तीन बोन्स हैं वो साथ में मिलकर उनको क्या कहा जाता है, अगर वो साथ में मिलते हैं तो, सेमी सर्कुलर, ओसिल्स, मेल्यूस, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओसिल्स। एमसीक्यूज नंबर 24, द मेन फंक्शन ऑफ ओसिल्स इज टू इंक्रीज। ओसिल्स का जो मेन फंक्शन किस चीज़ को इंक्रीज करना होता है, ऑप्शन हियरिंग, नॉइज, साउंड प्रेशर, या फिर बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साउंड प्रेशर। एमसीक्यूज नंबर 25, इनर एयर इज मोस्टली मेड अप ऑफ। इनर एयर जो होता है वो मोस्टली किस चीज़ का बना हुआ होता है, ऑप्शन स्किन का, लिक्विड का, बोन्स का, या फिर नर्व्स का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड। एमसीक्यूज नंबर 26, कोचलिया इज प्रेजेंट इन। कोचलिया कहाँ पे मौजूद होता है, आउटर एयर में, मिडिल एयर में, इनर एयर में, या फिर ऑल ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनर एयर में कोचलिया मौजूद होता है। एमसीक्यूज नंबर 27, व्हिच नर्व्स कैरी साउंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कोचलिया ऑफ द इनर एयर टू द ब्रेन। कौन सी नर्व जो है वो साउंड इन्फॉर्मेशन को इनर एयर की कोचलिया से कलेक्ट करती है और ब्रेन की तरफ सेंड करती है, ऑप्शन स्टेप्स, इनकस, ऑस्ट्रेचियन, या फिर कोचलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोचलिया, ऑडिटरी नर्व्स। एमसीक्यूज नंबर 28, इनसाइड ऑफ द नोज इज अ कैविटी कॉल्ड। नाक के अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहा जाता है कार्डिनल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, या फिर नेसल कैविटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेसल कैविटी। एमसीक्यूज नंबर 29, स्पेशल रिसेप्टर्स दैट आर सेंसिटिव टू ऑर्डर मालिक्यूल्स आर लोकेटेड एट। स्पेशल रिसेप्टर्स जो होते हैं जो मालिक्यूल की स्मेल को फील करते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, ऑप्शन बिटवीन नेसल कैविटी, बॉटम नेसल कैविटी, रूफ ऑफ नेसल कैविटी, या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूफ ऑफ नेसल कैविटी। एमसीक्यूज नंबर 30, व्हिच इज पार्ट ऑफ ब्रेन दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑर्डर रिसेप्टर्स। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो सिग्नल रिसीव करता है ऑडो रिसेप्टर से, ऑप्शन सीलिया, म्यूकस, या फिर ओलिफैक्ट्री बल्ब, या फिर नेसल कैविटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओलिफैक्ट्री बल्ब।
एमसीक्यू नंबर 31, हाउ मेनी टेस्टिस टंग रिसेप्टर्स कैन स्मेल। टंग रिसेप्टर जो है वो कितनी टेस्टिस को स्मेल कर सकता है। ऑप्शंस 1, 2, 3 या फिर 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4। एमसीक्यू नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन द टंग इज। जबान जो है वो किस टाइप का ऑर्गन है। ऑप्शन स्केलेटल ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन या फिर इंटीजुमेंट्री ऑर्गन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मस्कुलर ऑर्गन। एमसीक्यू नंबर 33, टेस्ट बर्ड्स कंटेनिंग टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट बिटवीन दी। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं जिसमें टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके बीच में मौजूद होते हैं। ऑप्शन पेपिलाई, मेडियन सल्कस, डोर्सल सरफेस या फिर टिप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेपिलाई। एमसीक्यू नंबर 34, डैश कैरी एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम टेस्ट रिसेप्टर्स टू द ब्रेन। कौन सी चीज़ जो है वो टेस्ट रिसेप्टर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेती है और ब्रेन की तरफ सेंड करती है। ऑप्शन कोचलिया, ऑडिटरी नर्व्स, डोर्सल सरफेस या फिर टिप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑडिटरी नर्व्स। एमसीक्यू नंबर 35, आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। स्किन का जो बाहर की तरफ वाला लेयर है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हाइपोडर्म्स, इपीडर्म्स या फिर डर्मिस या फिर ऑल ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इपीडर्मिस। एमसीक्यू नंबर 36, सेकेंड लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। स्किन का जो दूसरा लेयर है उसको क्या कहा जाता है। हाइपोडर्म्स, इपीडर्मिस या फिर डर्मिस या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डर्मिस। एमसीक्यू नंबर 37, व्हिच इज थर्ड लेयर ऑफ स्किन। स्किन का जो है तीसरा लेयर कौन सा होता है। ऑप्शंस हाइपोडर्मिस, इपीडर्मिस या फिर डर्मिस या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोडर्मिस। एमसीक्यू नंबर 38, व्हिच लेयर इज सेंसिटिव टू लाइट एंड टच। कौन सा लेयर जो होता है वो सेंसिटिव लाइट एंड टच होता है। ऑप्शंस हाइपोडर्मिस, इपीडर्मिस, डर्मिस या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोडर्मिस। एमसीक्यू नंबर 39, स्किन रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन विया। स्किन रिसेप्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से किस चीज़ के जरिए। ऑप्शन सेंसरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी न्यूरॉन्स। एमसीक्यू नंबर 40, सेंस रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। सेंस रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं। ऑप्शन हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर बोथ बी एंड सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपोडर्मिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोस आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।